वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में। इन शेयर के सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चाहते हो इनमें से किसी भी शेयर के ऊपर कोई डिटेल वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जैसा कि आपके सामने ओपन किया, इस शेयर का नाम है जेंसर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 448 रुपीज़ 50 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है करीब 8.78% डे लो पे। तो जैसा कि आपके सामने इसने अपने 50 DMA के सपोर्ट को ब्रेक करके एक डाउन साइड में अपनी डे की क्लोजिंग दी है। तो अगर ये आपके पास शेयर है तो मेरे हिसाब से अभी अगर एक सपोर्ट आ रहा है इसमें करीब 445 रुपीज़ का, अगर ये शेयर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तब तो काफ़ी चांस है ये रिकवरी कर सकता है। और अगर इस शेयर ने अपना ये सपोर्ट करीब जो 445 रुपये का एक सपोर्ट है अगर इसे ब्रेक कर दिया और उसके नीचे अपनी डे की क्लोजिंग दे दी तब इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और जितने भी न्यू बायर अगर कोई बाय करना चाहता है मेरे हिसाब से जब तक ये 465 रुपये के ऊपर 465 रुपीज़ के ऊपर कम से कम 2 दिन ये सस्टेन नहीं होता तब तक कोई भी न्यू बायर से बाय मत करना, क्योंकि यहाँ पर 50 DMA का सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके आने उसके अपसाइड 2 या 3 दिन सस्टेन होता है तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और पूरे चांस है वहाँ से रिकवरी करेगा और 500 या 550 रुपये तक इसका एक प्राइस हमें फ्यूचर में जाता हुआ दिख सकता है। पर अभी के लिए जो हमारे पास सपोर्ट आ रहा है 445 रुपये का एक SLR है, अगर शेयर ने इसको ब्रेक करा तो इसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट इसमें हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है वेदांता लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 309 रुपये और इसकी डे की जो क्लोजिंग हुई है करीब 8.49% डे लो पे हुई है। तो एक बार इसका लेवल और सपोर्ट देख लेते हैं। जैसा कि इसने भी अपना 50 DMA के सपोर्ट को ब्रेक करा है और एक डाउन साइड एक अपनी डे की क्लोजिंग दी है। अगर ये शेयर आपके पास है तो 300 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग SLR है। अगर ये 300 रुपये को ब्रेक करके इसके नीचे अपनी डे की क्लोजिंग देता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें हमें देखने को मिल सकती है। और जो भी न्यू बायर है वो इसको तब तक बाय मत करना जब तक ये जो इसका करंट प्राइस है उसके ऊपर, यानी क्योंकि 309 का इसका करंट प्राइस है और ये 310 के ऊपर एक है ना आसपास एक 50 DMA का सपोर्ट है, जब तक ये 310 रुपये के ऊपर 2 या 3 दिन तक सस्टेन नहीं होता तब तक कोई भी न्यू बायर इसे बाय मत करना। जो हमारे पे SL आ रहा है वो करीब 300 रुपये का आ रहा है और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है 310 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है तो आने वाले टाइम में ये शेयर हमें 350 रुपये तक जाता हुआ मिल सकता है। पर अभी के लिए सिर्फ SL फोकस करना है जो करीब हमारा 300 रुपये के आसपास आ रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है अलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 107 रुपये 85 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है करीब 7% डे लो पे हुई है। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि शेयर का प्राइस आपके सामने है तो अभी के लिए जो इसमें हमारे पास एक SL आ रहा है करीब 100 रुपये का SL आ रहा है। अगर आप न्यू बायर है तो इसे अभी बाय मत करो। अगर ये आपके पास शेयर है तो 100 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग SL आ रहा है, इसके साथ आप इसे ट्रेड कर सकते हो। अगर इसने 100 रुपये को ब्रेक करा उसके बाद इसमें और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो अभी के लिए SL है, 100 रुपये का SL है, आप इसके साथ इस शेयर को ट्रेड कर सकते हो। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।